नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या फाइव में चैप्टर संख्या 19 के अंतर्गत राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक वित्त, जिसमें टॉपिक राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले यूनिट्स में हमने यूनिट संख्या 4 तक हमने यूनिट कंप्लीट कर ली, जो कि हमने बिल्कुल विस्तारपूर्व वीडियो बना के आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने इस कोरोना काल COVID-19 के दौरान व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको डिलीवर्ड किए। वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समावेश किया है। इसी क्रम में हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर की अंतिम यूनिट EFM पेपर की राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यूनिट 5 यूनिट ही होती हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक प्रश्न 20 नंबर का आपके एग्ज़ाम में होता है। पांचों यूनिट में आपको एक एक प्रश्न का आंसर देना होता है। ये पांचों यूनिट भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। पिछले क्लासों में आपने इंडस्ट्रीज़, औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक विकास, औद्योगिक वित्त के बारे में हमने चर्चा की थी, जैसा कि कृषि वित्त के स्रोत हैं, औद्योगिक वित्त के स्रोत हैं, वही एक हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये आपकी 5 यूनिट आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी हैं, इनको हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में अपने जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जब पंचवर्षीय योजनाएँ थीं उनमें औद्योगिक विकास का क्या इम्पोर्टेंस रही, क्या पंचवर्षीय योजनाएं में सरकार के द्वारा कौन कौन सी फाइनेंशियल, कौन कौन सी स्कीम्स लाएगी जो उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए एक अहम भूमिका रही होगी। तो हम इसी क्रम में राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के औद्योगिक विकास को अध्ययन करने से पहले इसकी भूमिका के बारे में हम चर्चा करें कि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है, जो कि राजस्थान आज भी एक औद्योगिक दृष्टि से क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, जो कि 1986-87 में पहली बार शुद्ध या नेट वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चर की दृष्टि से समस्त भारत के कारखाने क्षेत्र में प्रदेश का 10वां स्थान राजस्थान का आता है। लेकिन बाद में राज्य की ओर से पिछड़ गया, क्योंकि इनको स्थान नहीं मिला, क्योंकि 2007-08 में निर्माण क्षेत्र के मूल्य संवर्धन में भारत में महाराष्ट्र का अंश 25% था, इसी प्रकार राजस्थान का भाग 2.5% था, जो कि 2007-08 में पंजीकृत कारखानों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन के मूल्य, विनियोजित पूंजी की मात्रा, विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य आदि का 80% से अधिक भाग 10 राज्यों में था। ये राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और पंजाब थे, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में औद्योगिक विकास भी हुआ है, किंतु अन्य राज्यों में की तुलना में आज भी क्या हुआ है, राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ है, जो कि 2007-08 में भारत में पंजीकृत कारखानों का 4.3% भाग ही राजस्थान में था, जबकि महाराष्ट्र में 12.5
प्रतिशत था जो रोजगार की दृष्टि से फैक्ट्री के क्षेत्र में राजस्थान का समस्त भारत में अंश 3.5% था, जो कि महाराष्ट्र का 13% था, जो कि 2007 व 8 में विभिन्न पंजीकृत फैक्ट्रियां रोजगार और मूल्य में काफ़ी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम पंचवर्षीय योजनाओं के औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करें तो जैसा कि पॉइंट हमने लिख रखा है कि कारखानों एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वो कितनी कितनी वृद्धि हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1951 में राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या सिर्फ 40 थी, जो कि 2011-12 में बढ़ के 7414 हो गई। 51 में कितनी थी, 40 थी, जो कि 2011-12 में 7444 पंजीकृत संख्या हो गई है। इस प्रकार इस अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 18,000 से बढ़कर 4.52 लाख हो गई है, जो कि 1951 में उद्योगों में केवल 9 करोड़ पूंजी लगी हुई थी, जो कि 2011-12 में बढ़कर 51,696 करोड़ रुपए पूंजी होगी, जो 50% से अधिक इकाइयों के रूप में विभाजित की गई। तो इस प्रकार राज्य में कारखानों एवं लघु कुटीर उद्योगों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई, जो कि महत्वपूर्ण रूप से सराहनीय कार्यों में एक सहायक तरीके से भूमिका रही है। दूसरा है घरेलू उत्पत्ति में योगदान। घरेलू उत्पत्ति साधनों में भी महत्वपूर्ण योगदान रही है, क्योंकि राजस्थान की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो कि 80 व 81 में 13.84% था, जो कि 95-96 में यही वृद्धि बढ़कर 15.73% की हो गई है, जो कि एक अर्थव्यवस्था के रूप में 2014 में राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का 28.9% रहा, जो कि कुल राष्ट्रीय आय में 27.3% के रूप में एक घरेलू उत्पत्ति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि विभिन्न तरीकों से महत्वपूर्ण है, एक उद्योगों का रोजगार में भी भाग रहा है। उद्योगों का रोजगार में भाग, उद्योगों का रोजगार में भी एक अहम भूमिका या रोजगार में भी भाग रहा है। कैसे कि राज्य की औद्योगीकरण के साथ मुख्यतया रोजगार में भी उद्योगों का बढ़ावा मिला है, क्योंकि 1971 में जनगणना के अनुसार राज्य के कुल रोजगार का 7% भाग ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में था, जो कि 1981 बढ़कर लगभग 8.7% हुआ, जो कि 1991 में भी 12.4% से वृद्धि होगी। 2011 में भी जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों की संख्या 3 करोड़ थी, जिनमें से 62.1% श्रमिक कृषि व संबंध कार्यों में, 2.4 घरेलू उद्योगों में भी, शेष 35.5 श्रमिक अन्य क्रियाओं में भी क्या थे, संलग्न थे। तो उद्योगों में रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी अहम भूमिका रही है अपनी योजनाओं के पंचवर्षीय योजना में। एक औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन औद्योगिक विकास की दृष्टि से औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन भी रहा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन रहा है, किस प्रकार से, जिस प्रकार जिसे हम चर्चा करें कि राज्य में औद्योगिक विकास की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में भारी अंतर है। जहां एक और राज्य में 10 जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं, वहीं 23 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। राज्य के औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिलों में महत्वपूर्ण रूप से अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
आदि विभिन्न प्रकार के ज़िले सम्मिलित हैं, जिसमें मुख्यतया हम बात करें फैक्ट्रियों की संख्या कुल राजस्थान में 1052 है, जो कि जिसमें 1970 से 2011-12 में 7414 और इसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 452103 है, जो कि विभिन्न ज़िलों में एक महत्वपूर्ण रूप से 10 ज़िलों में कुल फैक्ट्रियों का अंश 84.3% माना गया है, जो कि औद्योगिक असंतुलन को भी हम दूर करने का उपाय की दृष्टि से हम सोचें तो आधारभूत ढांचे का निर्माण करें, वित्तीय और राजकोषीय प्रेरणाएँ दें, जिला उद्योग केंद्रों द्वारा प्रोत्साहन करें, रिको के सहयोग को बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार से है एक औद्योगिक विकास पर भी बल दिया गया, औद्योगिक विकास पर व्यय किया गया है योजनाओं में। औद्योगिक विकास पर भी व्यय इस प्रकार से किया गया है कि यद्यपि प्रारंभ में राज्य में औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब राज्य के औद्योगिक विकास की योजनाओं में वह राशि निरंतर बढ़ाई जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास में 46 लाख व्यय किए गए, कुल योजना का व्यय केवल 0.8% था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 888.50 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो कुल व्यय का लगभग 0.9% था। इस प्रकार सरकार औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक धनराशि उपलब्ध करवा रही है, किंतु कुल योजनाओं का भी कम भाग माना जा रहा है। तो अगला है भारत में औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति। भारत में औद्योगिक दशा में राजस्थान की वर्तमान स्थिति, राजस्थान में या भारत में औद्योगिक दशा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति देखें कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं, जो 1951 में कुल औद्योगिक उत्पादन का राज्य का 0.5% था, जो कि 7-8 में बढ़ के 4.3% हो गया, जो 2011-12 में राज्य में उद्योगों का प्रति व्यक्ति मूल्य 5734 रहा, जबकि भारतीय औसत 6992 था। एक राजस्थान का औद्योगिक ढांचा, राजस्थान का औद्योगिक ढांचे की हम चर्चा करें तो राजस्थान का औद्योगिक ढांचा भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है, जो कि इसमें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है आधारभूत वस्तुओं के उद्योग, जिसमें इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और विद्युत रसायन, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग जैसे मशीनरी, परिवहन, माल, मध्यवर्ती वस्तुओं में कार्टून वगैरह है, टायर ट्यूब है आदि, और उपभोक्ता वस्तुओं में टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं को शामिल किया गया है। पिछड़े उद्योगों या पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों का विकास में भी इसको शामिल किया गया है, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों में 33 जिलों में 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है, जो ए श्रेणी में जैसलमेर और सिरोही जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 25% अधिकतम 25 लाख रुपये, बी श्रेणी में 6 जिलों को 15%, 15 लाख रुपये और सी श्रेणी में 8 जिलों में 10%, 10 लाख तक अनुदान दिया गया है, जो नई नीति के अनुसार है। एक औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश किया गया, जो कि स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। एक औद्योगिक निर्यातों में भी राजस्थान की अहम भूमिका रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से वस्त्र और आभूषण, हैंडीक्राफ्ट्स और इमारती पत्थर, कपड़ा, कंप्यूटराइज में भी विभिन्न तरीके से क्रियान्वित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की विभिन्न संस्थाओं की क्या भूमिका रही, राजस्थान में औद्योगिक विकास की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए जो भी संस्थाएं क्रियान्वित हैं उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। फिर औद्योगिक इकाइयाँ या राजस्थान में औद्योगिक विकास की कौन कौन सी समस्याएं रही हैं, कौन कौन सी कमियां रही हैं और उनको किस प्रकार से हमें सुधार करना है, वो भी इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा
करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया कि राजस्थान में औद्योगिक विकास औद्योगिक चैप्टर में कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिकों का विकास किस प्रकार से किया जाता है। तो राजस्थान में औद्योगिक पंचवर्षीय योजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने संक्षेप में अध्ययन किया, उनके बारे में हमने समझा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे हैं औद्योगिक आए, उनके बारे में क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू।